विदिशा के बड़ोह सेक्टर की सुपरवाइजर अनामिका जाट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा संबंधी बैठक ली, जिसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, अति कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती करवाए जाने में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने की समझाइश दी गई। साथ ही बच्चों के लैंगिक अपराधों से रोकथाम हेतु जागरूकता के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताया गया। विदिशा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। किसी डॉक्यूमेंटेशन के कारण अगर वो अधूरा है तो बात करें, कहाँ से वो डॉक्यूमेंट मिलेगा मुझसे बात करें, तो जल्द से जल्द अपन उसका वो डॉक्यूमेंट निकलवाएंगे, है ना। और इसी तरह से ज्यादा अनावश्यक कोई भी दस्तावेज मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आवश्यक और अनिवार्य दस्तावेज है सिर्फ अपन को वो ही चाहिए। हमें लाभ नहीं मिला गया, ये आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम बार गर्भधारण किसका हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि अपन दो दो तीन तीन महीने बाद में अपन उनको पता चल रहा है। गर्भवती महिला शादी हुई उसके बाद में अपन को लगातार उसके संपर्क में रहना चाहिए, और खास करके उसके जो भी अपन को पता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपडेट तब से ही करवा लो। आप लोग क्या करते हो, जब वो गर्भवती होती है तब अपन उसको समझाइश देना काम करते हैं। जैसे ही वो शादी होके आती है तभी उसका आधार अपडेट करना, उसका खाता खुलवाना, उसकी ID बनवाना, ये सारी उसको अपन जानकारी अभी भी तो अपन काम कर रहे हैं। अभी भी तो वो 8-8, 10-10 दिन में 15-15 दिन में अपन को अपडेट करके ला के दे रहे हैं। तो जब अपन 3-3 महीने का समय रहता है अपने पास, जब भी तो अपन करवा सकते हैं ना ये काम। ना आपके ऊपर बर्डन होगा, ना हितग्राही परेशान होगा, और ना मैं परेशान होंगी। एक साथ में सबका सारा काम इकट्ठा कर लेते हो, हर बार यही स्थिति बनती है। क्या मतलब है, अपन अपना थोड़ा थोड़ा करके काम करेंगे तो आप पे बोझ कम होगा कि नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।